माता दी, आरआई स्पोर्टिंग क्लब लगभग 75 साल से इस दुर्गा उत्सव का आयोजन करते आ रहा है। हम आशा करते इस वर्ष भी लोगों का प्यार और स्नेह रांची वासियों का हमें मिलता रहे। हम गुजारिश करेंगे लोगों से, आप आएँ और हमारे इस काल्पनिक मंदिर का आप आकर माँ का आशीर्वाद लें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्लब नामकुम रेलवे स्टेशन रांची के प्रांगण में इस बार कोटिलिंगेश्वर मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है, जो आप लोग आएँ परिवार के साथ देखें। और इस बार पूरे भारत में एक अनोखा आपको यहाँ पर माँ की प्रतिमा दिखेगी, जो हर एक प्रतिमा की 25 सर है। और ये 4 दिन का भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है, जो भंडारा का प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य के भागी बने और हमारे पंडाल में अवश्य आए। जय माता दी। रांची के मेन रोड में चंद्रशेखर आजाद क्लब दुर्गा पूजा समिति के पंडाल का उद्घाटन आरसू के अध्यक्ष सुदेश महतो, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री आशा लकड़ा ने किया है। चंद्रशेखर आजाद क्लब के पट खुलने के साथ ही मां दुर्गा के रूपों की नित्य नाटिका के जरिए श्रद्धालुओं को देखने को मिला। इसके साथ ही क्लब के अध्यक्ष रमेश सिंह की ओर से राजधानी रांची वासियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी रांची वासियों को देवालय के दर्शन और देवलोक के साक्षात दर्शन कराने के लिए किस तरह से चंद्रशेखर आजाद क्लब समर्पित है, यह उसके पंडाल में ही दिखाई दिया। राजधानी रांची के हृदय स्थली के समीप यानी अल्बर्ट एक्का चौक के समीप चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के पूजा पट का अनावरण नवरात्रि के 5वीं तिथि यानी पंचमी को भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, आजसू के अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो और राष्ट्रीय मंत्री हैं आशा लकड़ा ने किया। बिहार से आए युवा तुर्क नेता युवराज सुधीर सिंह सहित अन्य गण्यमान लोगों ने भी इस उद्घाटन समारोह में भाग लिया। देवलोक की तर्ज पर बनने वाला चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति का पंडाल पट अनावरण कार्यक्रम के बाद मां भवानी के भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिया गया। पट अनावरण कार्यक्रम के पहले ही दिन श्रद्धालुओं की चंद्रशेखर आजाद क्लब दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में काफी भीड़ देखी गई। पंचमी को दिल्ली से आए कलाकारों की ओर से नव दुर्गा के स्वरूप और मां काली पर आधारित नाट्य मंचन का प्रस्तुतिकरण किया गया। नाट्य मंचन देखने आए श्रद्धालुओं की ओर से बेहद ही मनोरम प्रस्तुति देखा गया और ऐसे में श्रद्धालु काफी खुश हुए और उन्होंने भक्ति भाव का अनुभव हुआ। पंडाल में जिस तरह से देवलोक और देवालय का निर्माण किया गया है, उससे लगता है कि पूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया है। चंद्रशेखर आजाद क्लब दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह ने इस पूजा को भव्य रूप से बनाने के लिए काफी मेहनत की है। ऐसे में समिति के सदस्यों की ओर से यह भी आशा की जा रही है कि इस बार दुर्गा पूजा पंडालों में जो भीड़ उमड़ेगी उसमें सबसे अधिक चंद्रशेखर आजाद क्लब के दुर्गा पूजा पंडाल में होगी। और इसी आशा और अभिलाषा के साथ दुर्गा पूजा समिति की ओर से तमाम श्रद्धालुओं को जिस तरह से निमंत्रित किया गया है और जिस तरह से उनको आमंत्रित किया गया है, वो सदा योग्य है। अब नवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और माँ के पट भी खुल गए हैं। ऐसी स्थिति में श्रद्धालुओं का तांता राजधानी रांची के सड़कों पर दिखाई देने लगा है। मुखर संवाद के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान।
देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।